मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम पैंगोंग लेक। सो अभी 5:30 बज रहा है एंड सनसेट स्टार्ट हो गया है। उधर मेरे पीछे इसका टाइम लेफ्ट लेने की ट्राई कर रहा हूँ। मेरे ट्राईपॉड में एक आप है, ट्राईपॉड इधर है, ट्राईपॉड उसे ट्राईपॉड में लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। कल रात के बारे में लाइक वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, सडनली सन चला गया और बारिश गिरने लग गया। वेदर ना फाड़ दी हमको, लिटरली शिवरिंग, वो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ एंड फिर सन आ गया, फिर हम फिर से आके फोटोस ले लिए। रात को अच्छा खाना खा के कैंप फायर लगा के 12 o'clock को वे ट्राइंग टू टेक सम स्टार फोटोग्राफी, बट नहीं आया क्योंकि पूरे क्लाउड्स थे। देखो अभी भी कितने क्लाउड्स हैं। सो वेस्ट हो गया, वो तो डिसअपॉइंट हो गया मैं। सोचा अच्छा स्टार फोटोग्राफी करेंगे पर नहीं। एंड एस्पेशली फॉर एस हाउस इन लाइक मी, वो जो 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड में रहते हैं ऑन एवरेज, उसके लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड में रहना इज लाइक वेरी डिफ़िकल्ट एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ठंड था कल रात तो, वो ज़्यादा ठंड था। अभी तो ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, 8 o'clock कैसे ले जाएंगे, थोड़ा ले घूमेंगे। ठीक है, चलो मिलेंगे। सो कल ये पॉइंट में स्नो नहीं था, कल रात को हुआ उधर स्नो। शायद मैं भी और आने वाले दिन में पूरा स्नो हो जाएगा। एंड मैंने सुना है कि ये पूरा लेक 2.5 मंथ्स के लिए फ्री हो जाएगा इन द मंथ्स ऑफ जैन फेब एंड मिड मार्च। देखो पूरा काला बादल एंड हमारा कैंप एग्जैक्टली इधर है, हमारा कैंप ये है हमारा कैंप। तो सब लोग सो रहे हैं, मैं अकेला ही वापस बाहर आके टाइम पास कर रहा हूँ। इधर देखो ट्राईपॉड लगा है एंड ये व्यू लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, देखेंगे कैसे आता। इफ़ यू गो 30 kilometers इन दिस वे चेना है एंड फिर देखो कैसे आई इसे। टाइम इज 12:30 राइट नाउ एंड वी रीच्ड चांगलांगला। द बोर्ड इज रिटन एज सेकेंड हाईएस्ट पास बट इट्स एक्चुअली द थर्ड हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड। एंड सो जस्ट टुक सम फोटोज एंड इट स्टार्टेड टू रेन विद अ स्लाइट प्रिंच ऑफ स्नो। सो मे बी इफ इट स्नोज लाइक I will experience it for the first time in my life, waiting for it. Oh, if not, it's our bad luck. There's not even a single trace of snow here so that we can enjoy and have fun with it. So, it's too cold right now. Hey guys, good morning. अभी 7 हो रहा है, हम रेडी हो गए, गेयर वेयर पहना है बस। ये मेरा गाड़ी है, ये लास्ट है तो अभी पैकिंग कर रहा है। सो आज का प्लान है टू विजिट शांत स्तूपा। कल रात गए, फिर भी रात में गए ना, अभी मॉर्निंग जाके विजिट करेंगे एंड देन विल गो टू शे पैलेस एंड देन थिस्के मोनास्ट्री एंड उसके बाद पैंग को स्टार्ट होंगे एंड एंड ऑफ डे पैंग में रहेंगे। सो दिस इज़ द प्लान फॉर टुडे। नहीं मालूम आज कैसे होगा।
सक्सेस होपफुली पूरा प्लेसेस कवर करना विदाउट मिसिंग एंड क्लाइमेट तो अच्छा ही दिख रहा है सो बस बारिश नहीं करना. Good morning, friends. So now I'm on my way to Shanti Stupa. Though we have visited it yesterday, I'm फिर भी जा रहे हैं आज. आ गया. ये entry है Shanti Stupa का. Ladakh Shanti Stupa. And the view will be amazing. पूरा city दिखेगा इधर से. शांति स्तूपा. देखो मेरे पीछे है शांति स्तूपा. तो इधर से पूरा व्यू दिखेगा. So friends, the time is 11:45 right now and अभी हम शेह पैलेस आए हैं. पीछे है शेह पैलेस. अभी ऊपर चढ़ रहे हैं. थोड़ा क्लाइम है सो हल्लू हल्लू चढ़ना पड़ेगा नहीं तो यू लूज योर ब्रेथ. So these are the steps and that is the monastery or the palace. Bro, Kanji, where is the bro? People are dropping off. Come on, bro. देखो हमारा हालत कैसे हो गया. अभी शे पैलेस देखना हो गया है. अभी हम तिस्के मोनेस्ट्री जा रहे हैं. वो रहा है तिस्के मोनेस्ट्री. इट्स 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर.
We are on our way to Pang, and we stop immediate next stop will be Rumse. Rumse mein lunch karenge, and lunch karne ke baad we'll start again to Pangong. Pang. ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है. पैंगोंग पैंग. अभी रास्ते में हमको आएगा तंगलंगला आएगा भाई लोग. तो तंगलंगला है वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास. तो भूख तो लग रहा है भाई. मैं मॉर्निंग 7:30 वैसे ब्रेकफास्ट कर लिया था 7:38 को. क्या खाया? एक आलू परोठा एंड थोड़ा बहुत ओट्स खा लिया. अच्छा था. तो एक रेस्टोरेंट है हिमालयन ड्रिंक्स बोल के फोर्ट रोड पे, ठीक है. इसमें हिमालयन रेस्टोरेंट वेजिटेरियन है पर ब्रेकफास्ट खतरनाक मिलेगा तुमको. एंड बहुत चीप है, बहुत सस्ता है एंड वैल्यू फॉर मनी है. ट्राई करो नेक्स्ट टाइम जब जाते. सो गाइस ठंड बढ़ने लग गया है तो मैंने ग्लव्स चेंज कर लिया. ये वेदर ग्लव्स है, विस्टैंड कर लेता है. So guys, we are at Tanglangla, the second highest motorable road, and this was highest and toughest journey of my life, at least in this trip. Just see the fog, man. It's all snow. Wow, can't believe it. It's fucking cold. I think the temperature is from 2 degrees or 1 degree. So I'll be just going into the tent. This is the tent. It's warm in there. Turn off the fire. Yes. How is it, bro? It's very cold. Which I'm so happy. Yes, I did. Tanglangla. Wow, ice, clouds, mountains, snow. Just see this, man. What the f**k? So I'm driving in nowhere.
so I cannot see anything. So we have successfully completed Tanglangla. So we are getting down the hill now, and if you can see, it's completely surrounded by mountains, and those mountains are completely surrounded by clouds, man. Fucking clouds. So I'm shit scared to drive in this. What the hell, man? Can you see anything? I can't see anything. So right now time is 7:30 and hum Tanglangla se 5 o'clock ko start hue the. The time we started, from the time we started, it started to rain. Enta voice tone ayipoyindra nenu appudu expression etlunde from the time we started. And we were driving in the rain continuously for 2 hours. So we were driving in the rain and it was snowing in some places, so it was hell. And the rain started in the Moor Plains, so you won't even find a single shop in between. So it is total 40 kilometer stretch and beech mein kuch bhi shop nahi dikhega. So we had to drive for 40 kilometers continuously in the rain. And sabka kaam pad gaya sabka. So this is our stay. This is where we gonna stay. Main kawa pi raha hu aur thand hai. So hopefully barish kam ho jana aaj. Agar kam nahi ho so idhar hi rukna padega. Start ho ke kuch fayda nahi hai. Kisi bhi humko ek buffer day hai. Shayad agar barish nahi ruka kal, वो बफर डे इधर ही यूज़ करेंगे. सोचे थे अपन मनाली में घूमेंगे, बारिश तो काम कर दिया हमारा. ये विश्व चाय पी रहा. इट्स कॉफी डूड. ओके ब्रो.